शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अब आज हम इस फिल्म श्रृंखला में वशीकरण, मोहिनी और सम्मोहन विद्या के लिए जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, स्तोत्र, कवच आदि, तो उनके लिए यहाँ पर इस फिल्म की प्रस्तुति कर रहे हैं। तो कई चीज़ें हैं जो इसमें उपयोग की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। तो उनमें से जो जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं और सीधा उनका असर होता है, और असर भी बेमिसाल होता है, जो कि साधारण आदमी कोई भी उसको काट नहीं सकता, पलट नहीं सकता, उलट नहीं सकता और न नष्ट कर सकता है। और ये जो विद्या है, जो जिस ग्रंथों और शास्त्रों में जो उच्चारित है, इसका इतना तेज असर होता है, इतना तेज कि किसी पर भी मोहिनी विद्या का या सम्मोहन का या वशीकरण विद्या का प्रयोग किया जाता है, ये तो ये नाकामयाब नहीं होता। अब इसमें चूंकि उच्चारण में नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, महाभारत के महापराक्रमी योद्धा, परमवीर योद्धा अर्जुन का वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी, अपने स्वर में इसका उच्चारण कर रहा हूं और ये उसी अर्जुन का स्वर है, उसी अर्जुन का अंश, वंश, रक्त और वही सब कुछ है। तो आप इसमें यह स्मरण रखें कि ये जो सीडी या डीवीडी जो भी डाउनलोड की जाए, या ये फिल्म यूट्यूब से डाउनलोड की जाए या अन्य माध्यमों से कहीं से डाउनलोड की जाए, तो इसमें जैसा उच्चारण है, जैसा कि हम पहले अपनी पिछली फिल्मों में कह चुके हैं कि मंत्रों में तारत्व, आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्य और शुद्ध उच्चारण, तो शुद्ध उच्चारण और इन सब चीज़ों को मिलाकर के तब एक मंत्र असरकारक होता है, फलीभूत होता है। और हर मंत्र जो भी उच्चारण किया जाता है, उसके कुछ नियम विधान प्रावधान होते हैं। नियम विधान प्रावधान हम अपनी फिल्मों में नहीं देते हैं, और चूंकि इनके दुरुपयोग संभव होते हैं और इनके दुरुपयोग किए जा सकते हैं, तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए हम इनके विधि विधान प्रावधानों का यहाँ वर्णन नहीं करते हैं अपनी फिल्मों में। और हम सावधान करना चाहेंगे कि ये जो उच्चारण है, इसको आप सुने, केवल सुने, धूप दीप और हवन करें, लेकिन स्वयं इसका उच्चारण करने का कतई प्रयास न करें, क्योंकि आपसे थोड़ी सी भी गलती हुई किसी भी शब्द में, किसी भी मात्रा में, उच्चारण में, तारत्व में, आयाम में, तरंग दैर्ध्य में या आवृत्ति में, तो उसका फल जो है उल्टा हो जाता है, विपरीत फल प्राप्त होता है। फायदे की जगह, लाभ की जगह हानि और नुकसान हो जाता है, मंत्र उल्टा असर कर देता है। इसलिए हम आपको सावधान करना चाहेंगे कि आप इसका स्वयं उच्चारण करने का प्रयास न करें, केवल ये जो उच्चारण है उसको ही केवल सुने और उसके साथ धूप दीप हवन करें, लेकिन स्वयं इस मंत्र का या इस पूरी जो श्रृंखला जाएगी ये वशीकरण विद्या की, आगे भी फिल्म में इसमें कई भागों में चूंकि चलेगी, ये एक बड़ी विद्या है, तो उसमें आप किसी भी मंत्र का
या किसी भी चीज का स्वयं उच्चारण न करें और केवल इन उच्चारणों को सुने मात्र। अगर आप स्वयं उच्चारण करते हैं या स्वयं कुछ करते हैं अपनी तरफ से, तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। और इस फिल्म से या इस फिल्म को बनाने वाले या फिल्म में उच्चारण देने वाले या फिल्म से संबंधित किसी भी कंपनी या किसी की कहीं कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी। उसके लिए आप पूरी तरह स्वयं अपना वो जिम्मेवार होंगे। तो इस उच्चारण को हम नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, जैसा कि बता चुके हैं आपको, अपने स्वर में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका उच्चारण कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो हम इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं, पहली फिल्म में वशीकरण विद्या की में, सम्मोहन विद्या, मोहिनी विद्या, ये तीनों क्रम एक ही उसके हैं। तो इनमें इसमें आकर्षण शब्द भी जुड़ता है बीच में। आकर्षण का अर्थ है किसी को आकर्षित करके अपने तक लाना। मोहन का अर्थ है उसको मोहनी विद्या से मोहित कर लेना। और वशीकरण का अर्थ है मोहित हुए को वशीकृत करके सदा के लिए अपने साथ रखना। चूंकि हमारे पास कई फ़ोन आए, विदेशों से भी आए, अपने देश से, भारत से भी आए, तो बहुतों की ये समस्या है, मोहिनी विद्या और वशीकरण विद्याओं के प्रयोगों से परेशान है और उनका तोड़ भी चाहते हैं और उसका कैसे वो उपयोग करें ये भी चाहते हैं। ऐसे कई मतलब फ़ोनों को हमने सुना, फ़ोन कॉलों को, कई लोगों की समस्याओं का अध्ययन किया। उसके पश्चात ये निर्णय लिया कि इस विद्या का जो सटीक प्रयोग है, हम छोटे मोटे जादूगर और मदारियों की बातें नहीं करते, जो छोटे मोटे टोचे तांत्रिक को सीख के आ जाते हैं और कुछ भी प्रयोग करके वो किसी को कुछ भी खिलाना पिलाना, ये करना वो करना, और इस टाइप से जो है उसके पूरे जीवन को नष्ट कर देते हैं मनुष्य के को। तो यहाँ पर ये सावधानी रखें, किसी भी लुच्चे लफंगे टुच्चे तांत्रिक के पास न जाएं और किसी भी छोटे मोटे सिद्ध, जो छोटे मोटे मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं, उनसे दूर रहें। विशेषकर जो महिलाएं हैं और वो हैं साधारण लोग जो कि कुछ जानते नहीं हैं तंत्र मंत्र और यंत्र में, वो जो है हर किसी के पास न जाएं मोहिनी वशीकरण और सम्मोहन आदि विद्या के लिए। तो जो उच्च कोटि की साधनाएं हैं, उच्च कोटि का वो है, हम उनका यहाँ पर इस फिल्म में अपना विवरण प्रस्तुत करेंगे, उनका उच्चारण करेंगे। और ये हमारी इस वशीकरण श्रृंखला की या मोहिनी विद्या की, सम्मोहन विद्या की ये पहली फिल्म है। इसके बाद इसे आगे के भागों में भी आप कई चीज़ों को जानेंगे सुनेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ हम यहाँ इस फिल्म में आज मोहिनी स्तोत्र उसका उच्चारण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मोहिनी स्तोत्र है और इसको धूप दीप हवन करते हुए नित्य, जितनी आवश्यकता हो, आवश्यकता हो 24 घंटे करने की तो 24 घंटे करें, और आवश्यकता हो सुबह शाम करने की तो सुबह शाम करें, तीन टाइम करने की हो तो तीन टाइम करें, और बहुत अच्छा होगा कि रात्रि के वक्त किया जाए वशीकरण विद्या की साधनाओं को, मोहिनी विद्या और सम्मोहन को, वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ समय रहता है। लेकिन फिर भी आपको दिन में जब भी वक्त मिले या जितनी आवश्यकता हो, आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग बढ़ाया या कम, जैसा भी जरूरत के मुताबिक किया जाता है। तो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मोहिनी स्तोत्र। ओम जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सर्वेन्द्रियाणां प्रवरं विष्णुरसं च मानसं तदेव कर्माणां बीजं तदुद्भव नमोस्तुते। सर्वेन्द्रियाणां प्रवरं विष्णुरंसं च मानसं
तदैव कर्माणां बीजं तदुद्भव नमोस्तुते। स्वयमाला हि भगवन ज्ञान रूपा महेश्वर, नमो ब्रह्म जगत सृष्टा तदुद्भव नमोस्तुते। स्वयमाला हि भगवन ज्ञान रूपा महेश्वर, नमो ब्रह्म जगत सृष्टा तद्भव नमोस्तुते। सर्वेन्द्रियाणां प्रवरं विष्णुरंशं च मानसं तदैव कर्माणां बीजं तदुद्भव नमोस्तुते। स्वयमालाय भगवन ज्ञान रूपा महेश्वर, नमो ब्रह्म जगत सृष्टा ज्ञान रूपा महेश्वर, नमो ब्रह्म जगत सृष्टा तदुद्भव नमोस्तुते। सर्वाजित जगज्जेता जीव जीव मनोहर, रवि विजरति स्वामिन रति प्रिया नमोस्तुते। सर्वाजित जगज्जेता जीव जीव मनोहर, रति विजरति स्वामिन रति प्रिया नमोस्तुते। शश्वघोष दधिष्ठान योषित प्राणाधिका प्रिया, योषिद्वाहान योषात्र योषिद्वंधो नमोस्तुते। शश्वघोषदधिष्ठान योषित प्राणाधिका प्रिया, योषिद्वाहन योषास्त्र योषिद्वंध्यो नमोस्तुते। प्रतिसाधकराशेष रूपाधर गुणाश्रय, सुगंधित वात सचिव मधुमित्र नमोस्तुते। प्रतिसाध्यक राशेष रूपाधर गुणाश्रय, सुगंधित वात सचिव मधुमित्र नमोस्तुते। शश्वधानि कृताधारस्ति संदर्शन वर्धने, विदग्धानां विहारिणां प्राणां तक नमोस्तुते। प्रतिसाध्यकराशेष रूपाधार गुणाश्रय, सुगंधिवात सचिव मधुमित्र नमोस्तुते। शश्वाधानि कृताधारस्त्रि संदर्शन वर्धने, विदग्धानां विहरिणां प्राणां तक नमोस्तुते। अक्रयायेषु तेन इस्तेषां ज्ञान विनाशनम्, अनूहरूपा भक्तेषु कृपा सिंधु नमोस्तुते। तपस्विनां च तपसां विघ्नबीजावलीलया, मनसकामं मुक्तानां कर्तुशु नमोस्तुते। अक्रयायेषु तेन अर्थस्तेषां ज्ञान विनाशनम्, अनूहरूपा भक्तेषु कृपा सिंधो नमोस्तुते। तपस्विनां च तपसां विघ्नबीजावलीलया, मनःसकामं मुक्तानां कर्तुशु नमोस्तुते। तपसाध्याश्चाराध्याश्च सदैव पांचभौतिका, पंचेन्द्रियकृताधार पंचबाण नमोस्तुते। मोहिनी सेव मुक्त तात्वात् मनसा विधेयपुर, वीररामनम्रवक्राभ भूवध्यान तप्रस। तपसाध्याराश्चाध्याश्च सदैव पांचभौतिका, पंचेन्द्रियकृताधार पंचबाण नमोस्तुते। मोहिनी सेव मुक्त मनसा विधेयपुर, वीररामनम्रवक्राभ भूवध्यान तप्रस। उत्तन्मद्यादिकान्ते स्तोत्रमेतन्मनोहरं, पुरा दुर्वाससादत्तं मोहिन्यै गन्धमादेन। उत्तन्मद्यादिकान्ते स्तोत्रमेतन्मनोहरं, पुरा दुर्वाससादत्तं मोहिन्यै गन्धमादेन। स्तोत्रमेतन्महापुण्यं कामी भक्त्या यदा पठेत्,
अभीष्ट लभते नूनम निष्फल को भवे ध्रुवम चेष्टा च कुरुते काम कदाचित प्रियम प्रियम भवेद रोगी श्रीयुक्त कामदेव संप्रभ। स्तोत्रमेतन महापुण्यम कामी भक्त्या यदा पठेत अभीष्ट लभते नूनम निष्फलको भवेद ध्रुवर्वर्म चेष्टा च कुरुते काम कदाचिद पितम प्रियम भवेद रोगी श्रीयुक्त कामदेव संप्रभ। सर्वेन्द्रियाणां प्रवरं विष्णोरंसं च मानसं तदैव कर्माणां बीजं तदुद्भव नमोस्तुते स्वयमालाय भगवन् ज्ञान रूपा महेश्वर नमो ब्रह्म जगत सृष्टा तद्भव नमोस्तुते सर्वाजित जगत जेता जीव जीव मनोहर रति विजयरति स्वामी रति प्रिया नमोस्तुते शश्व घोषिदधिष्ठान योषित प्राणाधिका प्रिया योषिद्वाहान योशास्त्र योषिद्वंधो नमोस्तुते प्रतिसादकराशेष रूपाधार गुणाश्रय सुगंधिवात सचिव मधुमित्र नमोस्तुते शश्वधानिकृताधारस्ति संदर्शन वर्धने विदग्धानां विहरिणां प्राणांतक नमोस्तुते अक्रियायेषु तेनर्थ इस्तेषां ज्ञान विनाशनम् अनौहरूपा भक्तेषु कृपा सिंधौ नमोस्तुते तपस्विनां च तपसां विघ्न बीजावलीलया मनः सकामं मुक्तानां कर्तुशशु नमोस्तुते तपसाध्याराध्याश्च सदैव पांच भौतिका पंचेन्द्रिय कृताधार पंचबाण नमोस्तुते मोहिनी सेव मुक्त्वा तु मनसा विधाय पुरा विराम नम्र वक्राव भूव ध्यान तप्रस उत्तम मध्येन्द्रिकान्ते स्तोत्रम मे तन्मनोहरम पुरा दुर्वास सादत्तम मोहिन्यै गंधमादेन स्तोत्रमेतन महापुण्यम कामी भक्त्या यदा पठेत अभीष्ट लभते नूनम निष्फलको भवेद् ध्रुवम चेष्टा च कुरुते काम कदाचित पितम प्रियम भवेद् रोगी श्रीयुक्त कामदेव संप्रभ। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। इसमें एक तो किसी ने आपके पति पर या पत्नी पर प्रयोग कुछ कर दिया हो वशीकरण का या मोहिनी विद्या का या किसी सम्मोहन का तो वो इससे कट जाएगा हट जाएगा उलट जाएगा पलट जाएगा और दूसरे इससे आप में स्वयं में जब आप इसको धूप दीप हवन के साथ में बैठ के करेंगे तो एक कामदेव के समान पुरुष में सुंदरता और वो आकर्षण सम्मोहन मोहन वशीकरण आ जाएगा और स्त्री अगर इसको वो करती है तो उसमें रति के समान सुंदरता आकर्षण मोहन सम्मोहन और वशीकरण की शक्ति आ जाती है। तो इसे धूप दीप हवन के साथ नित्य ही करना चाहिए और कितना उपयोग करना है ये तो स्वयं निर्धारित कर लें जितनी ज़्यादा ज़रूरत हो उसके अनुसार करें और ये आपके लिए इस प्रकार से ये फल देगा। बस इसका ये ख्याल रहें कि स्वयं उच्चारण करने का प्रयास न करें क्योंकि किंचित भी अगर त्रुटि होती या गलती होती है तो आपको नुकसान और हानि संभव है। जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। अब इससे आगे की विद्या हम अपनी अगली फिल्म में प्रस्तुत करेंगे इसी वशीकरण मोहन सम्मोहन तंत्र के तहत ही। तो ये फिल्म का वशीकरण विद्या की श्रृंखला का यह पहला भाग था। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद महाभारत के परमवीर पराक्रमी योद्धा अर्जुन का वंशज और महाभारत सम्राट दिल्लीपत महाराजा नंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी ने अपने स्वर और उच्चारण में यह आपके समक्ष मोहिनी स्तोत्र को प्रस्तुत किया। अब
आगे की श्रृंखला में, आगे की फिल्मों में अगले स्तोत्र या कवच और जो विद्याएं हैं इससे संबंधित, उन्हें हम आपको सुनवाएंगे, दिखवाएंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज हम मुरैना के चंबल के प्रसिद्ध समाजसेवी एक विख्यात हस्ती और साथ में राजनेता भी, एडवोकेट भी और बहुत बड़े स्कूलों के संचालक भी,